जय श्री श्याम, उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानेंगे बाबा श्याम के एकादशी के दिन के 3 ऐसे उपाय जिनके करने से कभी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। इन 3 उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एकादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद बाबा श्याम की पूजा करनी है। उस पूजा में बाबा श्याम की 40 जरूर पढ़नी है। अगर आपसे पढ़ना नहीं आता है तो घर के किसी भी सदस्य से आप श्याम 40 सुन सकते हो। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य नहीं है उस टाइम पर तो आप मोबाइल में भी श्याम बाबा की 40 चलाकर सुन सकते हो। पहला उपाय, एकादशी के दिन अपने पूरे घर में और घर के मेन द्वार पर और घर के मंदिर में इत्र छिड़कना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम को इत्र बहुत प्रिय है। ऐसा बोला जाता है, जो भक्त बाबा श्याम की सच्चे मन से पूजा करता है उसको इत्र की सुगंध आने लगती है। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है, अचानक से इत्र की खुशबू आई, जबकि आपने किसी भी इत्र का प्रयोग नहीं किया है। आपको इत्र की खुशबू का आभास होता है। आपको एकादशी के दिन अपने घर में इत्र का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आती है। दूसरा उपाय, एकादशी के दिन जब आप पूजा करते हो तो उसी समय आप बाबा श्याम का भोग तैयार कर लो और बाबा श्याम को पूजा करते समय ही भोग लगा दो। और पूजा करने के बाद बाबा श्याम का जो भोग लगाया है उसमें से सबसे पहले किसी कन्या को खिलाएं और उस भोग को आप अपने घर के सभी सदस्यों के साथ बांट कर खाएं। ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। तीसरा उपाय, एकादशी के दिन शाम के समय भूलकर भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन नमक देने से घर में धन की हानि होती है और दुख दरिद्रता आती है। तब आपको एकादशी के दिन कभी भी नमक नहीं देना चाहिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।